कहीं नहीं भागा और ले लेना आराम से। कांग्रेस के गढ़ सीतापुर में आपने कमल खिला दिया। ये कमल हमने नहीं खिलाई, आप सब जानते हैं कि हमें पत्र लिखकर सीतापुर के युवाओं ने बुलाया था, और आज यदि कमल खिलाने के यदि किसी ने काम किया है तो सीतापुर की जनता ने किया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कितनी बड़ी चुनौती मानते थे, पांचवी बार चुनाव लड़ रहे थे, चार बार लगातार अमरजीत भगत जीतते हैं। ये पांचवी बार चुनाव लड़ने वाले अमरजीत भगत जी थे, मैं नहीं था। मैं प्रथम बार लड़ा और जनता ने चुनाव लड़ी, और इसलिए जीत भी प्रचंड बहुमत से हुआ है। उम्मीद थी इतनी वोटों से जीत जीतने की? देखिए, वोट का आकलन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं कभी चुनाव लड़ा नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता था कि एक भारी मतों से विजय। सैनिक से राजनेता, सफर कैसा रहा? पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है मैं जैसे कि आज कहीं दूसरी जगह में ट्रांसफ़र होकर ड्यूटी करने आया। तो ड्यूटी कैसे निभाएंगे? जिस तरह से 13 साल हमने बॉर्डर पर रह के एक देश के सैनिक के रूप में अपनी पूर्ण निष्ठा से ड्यूटी निभाई है, आज राजनीति के क्षेत्र में भी निष्ठा से निभाऊंगा, यही मैं अपने आप से। पहला प्राथमिकता, पहला काम क्या रहेगा जो अमरजीत ने नहीं किया? सीतापुर की जनता पहली प्राथमिकता, पहला काम उसके लिए। ऐसा कौन सा चीज़ अधूरा था जिसको पहले पूरा करेंगे? सारे काम अधूरे हैं उनके, रोड बनाने से लेकर बच्चों के भविष्य से लेकर हर चीज़ काम अधूरे हैं। अब उस अधूरे कार्य को पूरा करने की ओर हम आगे ले जाएंगे, जिसमें सीतापुर की जनता हमेशा साथ खड़ी रहेगी। क्या नसीहत अमरजीत भगत को आपकी ओर से? कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी क्षेत्र में अकेले व्यक्ति का राज होता है। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि सरकार नहीं बने, अगर नहीं बनती है तो अपने मूछें मुड़ाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि राम कुमार टोप्पो जैसा व्यक्ति अगले चुनाव में हमारा प्रचार करेगा। हम इस बातों को मायने नहीं लेते, लेकिन हम केवल राम कुमार टोप्पो नहीं थे, हम भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है उसका प्रत्याशी थे। हमारे प्रत्याशा शब्दों का इस्तेमाल केवल उनके लिए शोभनीय नहीं है। धन्यवाद। क्या लगता है उनको मूछ मुड़ाना चाहिए? बिल्कुल मुड़ाना चाहिए, यदि वादे पे कायम है तो। ठीक है, एक मिनट। बधाई हो।